उसके बाद फिर ये हुआ था कि मतलब जो सेकंड पार्ट अगर आपने देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं देखा तो आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखो, तब आपको वीडियो समझ आएगा। तो फिर जब ये लाइन देखी, डॉक्टर ने बोला फटाक से अल्ट्रासाउंड करा के आओ। आप अल्ट्रासाउंड कराने गए तो डॉक्टर कह रहा है, अरे किसने कह दिया आपको कि आपकी प्रेगनेंसी है। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मैं मतलब अल्ट्रासाउंड रूम में मेरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत आराम से थी, मुझे पता था कोई ना कोई दिक्कत है। बाहर हस्बैंड वेट कर रहे थे तो उनको मुझसे ज़्यादा डर लग रहा होगा उस टाइम, मुझे पता है। लेकिन जब मैं उन डॉक्टर ने बोला कि आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक्टोपिक हुआ है, मेन बात ये है। बस फिर हम डॉक्टर के पास भागे, मैं पता ही नहीं था एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है उस टाइम। मैं आजकल जैसे सबको पता है कि फटाक से लड़कियां गूगल करती हैं और चेक कर लेती हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत है गूगल करने की। तो वहाँ से हम आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला टाइम नहीं है, फटाक से एडमिट हो जाओ। नहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, मैं मिस ये कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे एक दिन का टाइम दिया था कि आप एक कल का वेट और कर लो, क्या पता अर्ली हो, ठीक है कल का वेट आप कर लो, इसलिए क्या पता आपके HCG जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं कि घट बढ़ रहे हैं। तो जब हम गए तो वो इंक्रीज़ हो गया, तो डॉक्टर मेरी डर गई कि आपके अंदर कुछ नहीं है लेकिन ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। अब बहुत सारे लोगों ने जब मेरा एक्टोपिक वाला वीडियो देखा तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या आपकी कोई ट्यूब रिमूव हुई थी। तो नहीं मेरी कोई ट्यूब रिमूव नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा वो बहुत अर्ली स्टेज था, मतलब जिस टाइम पे मुझे डेट आनी थी उसी दिन से मेरा शुरू हो गया था, उससे एक दिन ऊपर या नीचे ऐसे ही होगा। तो मेरा बहुत अर्ली स्टेज था और बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं हुआ था, जैसे लोगों का फट जाता है ट्यूब फट जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे अंदर ब्लड था जो कि बाहर निकल नहीं पाया था, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही थी, लेकिन मेरी कोई ट्यूब रिमूव नहीं हुई थी, मेरे को एक इंजेक्शन दिया गया था बस। तो जब हम HCG करा के डॉक्टर के पास पहुँचे, उन्होंने देखा वो बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पास टाइम नहीं है, एडमिट हो जाओ और हम आपको एक दिन एडमिट रखेंगे। तो मेरा पहला सवाल था कि क्यों, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब आपके अंदर ऐसी चीज़ हो गई है तो इसे मतलब निकालना पड़ेगा। अब इंजेक्शन के थ्रू हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो इंजेक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो उस टाइम भगवान की मेहरबानी थी कि मेरे साथ ऐसा ऑपरेशन वाला सीन नहीं हुआ, नहीं तो अब मैं वीडियो देखती हूँ लोगों के, तो बहुत एक्टॉपिक बहुत डेंजरस चीज़ है। तो उन्होंने मुझे एडमिट किया, एडमिट करके एक इंजेक्शन दिया था सिर्फ, ठीक है। और वो इंजेक्शन मुझे डॉक्टर मनीषा सक्सेना ने ही दिया था कैलाश हॉस्पिटल में। 24 आवर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा, इंजेक्शन दिया, उसके बाद से मुझे कहा कि आप जो है, और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि देखो डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, आपको अपने आप पे ध्यान देना है, और बस ये सोचो कि इस बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ तुम्हारा बेबी भी हो सकता है, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है तुम मेरे पास बच्चे की अस्वस्थ बच्चे के लिए आओ, है ना, कि मैम मुझे डिलीवर करना है। मैंने कहा हाँ करेक्ट, बहुत मुझे हो पाई थी। लेकिन फिर 2 महीने ट्राई करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, वापस हम लोग हॉस्पिटल आ गए, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब फिर से नेगेटिविटी कहीं ना कहीं भर रही थी मेरे अंदर कि ये हो सकता है वो हो सकता है। और कोरोना चल ही रहा था उस टाइम पे भी, लॉकडाउन लग ही रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा खुला नहीं था। फिर थोड़ी चीज़ें ना एकदम नॉर्मल होने लग गई, आपको पता होगा जब जब लॉकडाउन हटा था कि आप बाहर आ सकते हो मास्क के साथ ये वो, तो फिर से जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फिर मैंने कहीं और दिखाया, लेकिन वहाँ पे मुझे यही जवाब मिला। मतलब फिर मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, ये मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ जब मुझे एक्टोपिक हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई कभी, उसके बच्चे के लिए नहीं गई कि मुझे बच्चा करना है। फिर एक हम आंटी से मिले, वो हापुड़ में रहती हैं, उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी थी खाने के लिए, मतलब वो आयुर्वेदिक की दवाई थी कोई, कि उन्होंने मुझे बोला कि गारंटेड तुमको 9 महीने में ना बेबी हो जाएगा। वो टाइम भी निकल गया और उसके बाद हम घर वापस आ गए, लॉकडाउन लग गया, फिर से लॉकडाउन इतना तगड़ा लगा ना कि अब फिर हम कहीं जाने लायक नहीं थे। फिर वही पॉइंट कि अब क्या करें क्या करें, तो फिर मैंने अपने आप को पढ़ाई की तरफ बिजी कर लिया कि अब मुझे पढ़ना है, दोबारा से कुछ करना है, पर मुझे वो नहीं पता था कि ये सिर्फ एक बहाना है, पढ़ाई तो यहीं पर रुक जाएगी मेरी। अब मतलब मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ कोई,
और मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट। फिर उसके बाद मैं ये सब कर ही रही थी, मेरा दिमाग बच्चे से बिल्कुल हट चुका था क्योंकि मैंने अपने आप को समझा लिया था कि नहीं होगा फिर से। लेकिन मैं पढ़ाने गई, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं उस टाइम पे। लॉकडाउन जब हटा मैं क्लासेस ले रही थी, और मैं क्लासेस इतनी हेक्टिक ले रही थी कि मैं 5-5 घंटे उस टाइम पढ़ा रही थी। अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया था, मेरे पास टाइम नहीं था। बस सुबह उठती थी, वॉक करती थी, वॉक करने के बाद एक्सरसाइज करती थी, खाया पिया अपना, फिर उसके बाद मैं क्लास लेने चली जाती थी, क्लास लेके मैं घर आ जाती थी। बहुत मतलब मैं 8:30 बजे के आसपास घर आती थी। और उसके बाद भी लेकिन मेरे दिमाग में इस चीज़ें थी कि मुझे कोशिश करनी है, खुद से कोशिश करनी है कि मैं अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दूँ, अपनी डाइट पे ध्यान दूँ, बाहर का कुछ ना खाऊँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी क्योंकि मुझे एक बार एक टॉपिक हो चुका था, तो मैं डर था कि वो चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर टाइम आया जनवरी का, और वो जनवरी का टाइम ऐसा था कि हमें खुद भी नहीं याद कि ये कैसे हुआ। दिसंबर में हम घर ठीक गए। है, हाँ, उससे पहले हम दिसंबर में घर गए थे, मतलब मेरे ससुराल गए थे। तो दिसंबर में घर गए थे, और उससे पहले अक्टूबर में मैं अपनी नानी के घर भी गई थी। तो हम वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद फिर एक प्लानिंग हुई कि हम गांव जा रहे हैं दिसंबर। मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, तो हम वहाँ चल गए। वहाँ गए तो हमारे जो देवी देवता हैं, कुल देवता हैं, मैं उनको भी बताऊँगी कि हाँ उनके साथ भी ये हुआ कि मतलब मैं शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे साथ जो मैं नहीं जा पाई थी। फिर हम वहाँ गए, दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ गए, और मैं फ्राइडे के फास्ट भी रखती थी। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं साल भर से फ्राइडे के फास्ट भी रखती थी, और मतलब मैं आफ्टर कंसीविंग भी रख रही थी, मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। तो जब हम वापस आए वहाँ से, फिर हमारा प्लान हुआ कि हम जनवरी में जो है हरिद्वार जाएंगे, दिसंबर के जनवरी में, मतलब 14 जनवरी हम जाएंगे वहाँ पर। भाई मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा ये वो। हम गए जनवरी में वहाँ, हाँ जनवरी में हम हरिद्वार गए। मैं जब स्टेयर्स चढ़ रही थी, तो उस बीच क्या हुआ कि मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं सो रही हाँफ रही थी, परेशान हाँफ रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, या मेरे साथ पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हम वहाँ से वापस आए, और कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि यार मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, ऐसा कुछ ना हस्बैंड के दिमाग में था ये सारी चीज़ें। फिर जब हम वापस आए, वापस आने के बाद फिर मैं वही पढ़ाना लिखाना ही सारी चीज़ें चल रही थी। और मैं बता दूँ, जब मैं पढ़ा मतलब मैं अपने काम में बिजी रहती थी, तो मैं इतना डेली बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करती थी हस्बैंड से कि ऐसा वैसा। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात भी नहीं करते थे बच्चे के बारे में ज़्यादा। फिर हम एक दिन कार से जा रहे थे कहीं पे, तो पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे। तो मेरे को ऐसे ही रोना आ गया कि यार पता नहीं भगवान ने हमें ये एक चीज़ नहीं दी ना। मतलब सारी चीज़ें ठीक है यार, लाइफ में चलती रहती हैं, पैसा रुपया सब, लेकिन ये सब हम बना लेंगे, लेकिन हम एक चीज़ नहीं बना सकते, वो हम अपना अपनी औलाद कैसे करेंगे ना। टक्क से गाड़ी में एक शीशे में लगा पत्थर, और कांच टूट गया। अब मैं और टेंशन में, अरे यार कांच टूटना तो सही नहीं होता, ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन हस्बैंड ने बोला क्या पता कुछ अच्छा हो, है ना, क्या पता हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला हो। क्योंकि वो उस टाइम ऐसे शीशा टूटा था ना कि आप सोचोगे नहीं, गाड़ी चल रही है, अचानक से पत्थर आके कांच पे लग जाता है सामने, और गाड़ी का शीशा आज भी वो टूटा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें हो गई, टाइम आया जब मेरी 8 जनवरी के बाद 8 फरवरी क्रॉस हो गई, और मैं मंदिर जा रही थी, तो मेरे को हर जगह दिख रहा है बेबी ऑन बोर्ड, बेबी ऑन बोर्ड गाड़ी में। ये मेरे साथ एक थर्सडे निकला, दूसरे थर्सडे को ये चीज़। तो मुझे हंसी आई कि यार ये चीज़ क्या हो रही है। फिर जब मैं मंदिर से वापस आ रही थी, थर्सडे वाला ही दिन था, मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना किट ले लूँ। मैंने एक किट नहीं ली, मैंने 2 किट ली, और 2 किट लेके मैं फटाक से आई। मतलब पता नहीं मेरे साथ उस दिन कैसे, मैंने रात में वेट कर लिया कि मैं सुबह ही करूँगी, और मैंने सुबह सुबह जब वो टेस्ट किया, एक बार पॉजिटिव आया, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा फिर से फेक हो सकता है ना, मैंने किसी को नहीं बताया, वो किट चुपचाप रख ली। फिर उसके बाद मैंने दूसरी किट निकाली, फिर मैंने टेस्ट किया फ्राइडे के ही दिन। मुझे फास्ट रखना था फ्राइडे को, मैं फ्राइडे का फास्ट रख रही थी, संतोषी माता का रखती थी। और आज फ्राइडे ही है, ये वीडियो आज ही शूट हो रहा है। ठीक है,
फास्ट रखती थी मैं। फिर मैंने दूसरी बार जब मैंने किया, फिर मैंने बाहर आई मैं बाथरूम से, और मेरे पास कोको था उस टाइम। कोको मतलब मेरा पेट जो छोटा सा आपने देखा होगा, अब नहीं है वो यहाँ पे। मैंने उसको बताया कि मतलब कोको उसके कान में जाके, बहुत ज़्यादा अटैच थी मैं उसके साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत लकी था। ठीक है, तो मैं उसको जाके मैंने बता दिया। अब उसके बाद मेरे घर में मतलब मैंने फिर उसके बाद फ़ोन किया अपनी मम्मी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं मैं हस्बैंड को बता के बहुत जल्दी ना कर दूँ इस बार। फ़ोन किया तो मेरी मम्मी बस खुश कि अब बस हो गया, उनको तो लगा बस आज ही डिलीवरी हो गई, इतना ज़्यादा खुश हो गई मैं। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने अंजलि को बताया मतलब मेरी भतीजी को, कि शायद ऐसा है, शायद ही बोला मैंने सबको। तो फिर शायद करके हस्बैंड को भी बताया, लेकिन इन्होंने यकीन नहीं किया। इसके बाद की स्टोरी दूसरे पार्ट में।